अमृतसर मजीठा रोड स्थित गुरुद्वारा श्री छेवें पातशाही में चोरी होने का मामला सामने आया। बता दें कि चोरी होने की सारी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गुरुद्वारा साहिब के पाठी सिंह ने बताया कि उन्होंने रात को 2 बजे गुरुद्वारा साहिब के दरवाजे का ताला टूटा हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने तुरंत गुरुद्वारा साहिब के बाकी प्रबंधकों को फोन कर बुलाया। जांच के बाद पता चला कि गुरुद्वारा साहिब में कोई बेदबी नहीं हुई, सिर्फ चोरी की गई है। जी जी, तो मैं 11 बजे सारे दरबार के गेट बंद करके सौ गया सी। अंदर सामने हाल दे विच रहिश है मेरी बच्चे समेत, तो मैं जो तकरीबन 2 बजे उठाया तो मैं सामने गेट तो सामने मुख दरबार जी जोड़े वो दिखाई देंगे, सामने ताले लगे भी दिखाई देंगे। मैं सामने जो देखा तो ताला ने मैं अंदरला दिखाई दिता, कुंडी पुट्टी दिखाई दिती। फिर मैं क्लीयर करने वास्ते फिर मैं बाहर आया, सामने वेख्या तो दरवाजे की कुंडी टुटी हुई सी। फिर मैं फौरन अपने मैंबर सभा प्रबंधकों फोन करके उस वेले सद्या, तो इतने फिर प्रबंधक उस वेले मेरे को आ गए। उन्होंने आ के देखा सारा, बाकी इन्हें ही महाराज की कृपा है कि गुरद्वारा साहब होर कोई किसी तरह की हरकत नहीं हुई। तो बस चोर इतों कंध टप के उत्थे चढ़ के कंध टप्पिया अंदर गया, अंदर हौली जी उन्हें जाके तो जिस तरह भी ताले तोड़े, अंदर जाके चोरी गोलक वेखी तो मैं टुटी हुई सी जो मैं अंदर गया।